अब समझ लेंगे दोस्तों, ये भी हमने रॉयल का इंडिकेटर अभी हमने चेंज किया, पुराना ये इंडिकेटर लगा हुआ था पहले, तो अभी अब मैं इसको आपको कैलिब्रेशन बताता हूँ। ये इंडिकेटर चेंज करने के बाद हमने डेड वेट रखा है, तो ये 1.314 बता रहा है। तो अभी हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पापड़ टाइप करना है 5519 टीयर 1 एयर, तो ये कार्ड 2 शो करेगा। कार्ड 2 के ऊपर हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। केजी का डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। अब हमने यहाँ पर टीयर के बटन को प्रेस करना है। टीयर के बटन को प्रेस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ डेड वेट की वैल्यू लिख देंगे 10.00। इसके बाद टीयर के बटन को प्रेस करेंगे 4 आएगा। 4 के ऊपर ये टोटल कैपेसिटी लिख देंगे। ये टोटल कैपेसिटी 300 kg हम लिख देते हैं। 300 kg के बाद हमने 3 0 लिखने हैं। उसके बाद टेयर के बटन को प्रेस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 डेसिमल करने हैं, 2 लिख के टेयर के बटन को प्रेस करेंगे। 6 के ऊपर यहाँ पर हम 5 करके टेयर के बटन को प्रेस कर देंगे। 50 ग्राम के ऊपर इस टाइम चल रहा है। डेड वेट को हटाते हैं, ये देख सकते हैं आप 0 भी हो रहा है। दोबारा डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं तो आप ये देख सकते हैं 10 kg पूरा बता रहा है। ये मैं हल्का सा हाथ ऊपर रख के दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये 50 ग्राम पे चल रहा है, यानी एंड पे 5 बता रहा है। तो ये डेड वेट मैं नीचे उतार देता हूँ। तो ये इस टाइम स्केल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई भी स्केल परचेज़ करना चाहते हैं या अगर आप कोई भी स्केल की रिपेयरिंग वगैरह करने चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या स्केल न्यू स्केल के लिए आप हमारे से ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स। क्योंकि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगेगा कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है।